जय जय सिया राम के लगे जय घोष, हजारों महिला पुरुष पहुँचे हनुमान जयंती महोत्सव पर श्री राम कथा में। श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और जन कल्याण करते करते बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, कहा पंडित नरेंद्र शर्मा ने। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए कुकड़ेश्वर क्षेत्र की खास खबर। अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी केकई ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन पूरे करने के लिए श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी की मांग की थी। न चाहते हुए भी राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। श्री राम ने मां के वचन व पिता के आदेश का अनुसरण करते हुए वनवास काटा और केवल जटायु जामवन सुग्रीव हनुमान सहित वानर सेना को साथ रखते हुए जन कल्याण किया। दानवों का वध करते हुए राम राम न रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। उक्त वक्तव्य संगीतमय श्री राम कथा में पंडित नरेंद्र शर्मा आमन खेड़ी ने कथा विश्राम व श्री हनुमान जयंती पर व्यासपीठ से कहा। कुकड़ेश्वर क्षेत्र के ग्राम बड़ी खड़ी कड़ी बुजुर्ग के पागड़ा गुज्जर परिवार के पटेल रामनारायण गुज्जर व स्वर्गीय बद्रीलाल गुज्जर द्वारा अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में श्री हनुमान मंदिर का नव निर्माण करवाया व 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पंडित व्यंकटेश शास्त्री के कर कमलों द्वारा यज्ञ व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 22 अप्रैल को मंदिर पर कलश प्रतिष्ठा हुई। विगत 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक संगीतमय श्री राम कथा क्षेत्र के ख्यात नाम पंडित नरेंद्र शर्मा के मुखारविंद से प्रसारण हुआ। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर गांव कड़ी बुजुर्ग में चल रही श्री राम कथा का विश्राम हुआ। कथा श्रवण करने सहित यज्ञ पूर्णाहुति व महाप्रसादी उत्सव में क्षेत्र से हजारों की तादाद में श्री राम व श्री हनुमान भक्त पहुँचे। 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में राजू गुज्जर, राज इलेक्ट्रिकल्स कुकड़ेश्वर, बलवंत गुज्जर, अर्जुन गुज्जर, MPEB पवन गुज्जर व फागना परिवार ने तन मन धन से आयोजन को भव्यता दी। ग्रामवासियों व इष्ट जनों का अपार सहयोग धार्मिक आयोजन में रहा। आयोजन में पधारे हुए पंडित जी शास्त्री जी विप्रजन, अतिथिगण उपस्थित जन का पटेल राम नारायण गुज्जर व बलवंत गुज्जर ने सहृदय आभार व्यक्त किया। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।